बोल रहे हो? हाई इंटेंसिटी ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन, हायर प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन, इससे कारण होता है। तो ये इसमें बोल दिए इंडिया में जैसे इसमें। स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, प्री मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून के टाइम पे ज्यादा होता है। हाँ डेथ इन यूपी हुआ था ना बहुत लोग का, एक सर्च करना एक बार, लाइट नहीं कारण, यूपी या गुजरात में कहीं पर, सौ से ऊपर अकॉर्डिंग में। टू विच यूपी जो लाइटनिंग से आपका एनुअल डेथ होती है ना इंडिया के अंदर, उसकी रिपोर्ट हाँ भी आती कितना, है, हाँ तो कितना बता, 22 मई 207 लोगों की डेथ हो गई लास्ट ईयर। और रिपोर्ट कौन निकालता है? एनसीआर भी निकालती है। 207 नहीं, 907 पीपल, 907। से, ठीक है। अब आते इसमें कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस में, तो इसमें आ गया ई वाला, इंटेंसिटी वाला, इसी में आएगा, ठीक है। और क्या बोल रहे थे करना? इसमें मैं एक बता देता हूँ कि भाई राइजिंग सरफेस टेम्परेचर हो रहा है, जिसकी वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन साइकिल है वो बहुत फास्ट हो गई है। इसमें आप अर्बन हीट आइलैंड का कंसेप्ट डाल सकते हो। उसके बाद आप डाल सकते हो कि रीजनल फास्टर, मतलब रीजनल कैसे प्रेजेंट करें कि मतलब फास्ट मूवमेंट ऑफ एयर होती है, तो उससे जो है इवेपोरेशन फास्टर होता है, मतलब ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। बेसिकली वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड फिर बाद में जब कोलिजन होती है उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। हाँ, तो वर्टिकल हीटिंग बोलते हैं ना करुणा शादी से। हाँ, देयर इज वन मोर स्पेसिफिक टर्म वर्टिकल हीटिंग के लिए, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। वर्टिकल हीटिंग, ठीक है। तो इसमें डेथ हो गई, वाइल्ड फायर हो गया, और उसके बाद में उत्तराखंड, ऑस्ट्रेलिया, बुश फायर, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, वैसे डिस्ट्रक्शन हाँ ऑफ प्रॉपर्टी। कॉमनली यही होता है। हाँ, आप बताओ कर। इसमें ये भी होता है जो सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स और इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस लाइटिंग की वजह से। हाँ डिसेप्शन प्रॉपर्टी, डिसेप्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी में तो यहाँ पर मैंने वो बात की ना कि मतलब बिल्डिंगें टूट जाती हैं। हाँ तो हाँ, मतलब आप बोल सकते हो डिसरप्शन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक स्पेसिफिक हो गया, एग्री लॉस हो गया, हो गया आई तो थिंक, यहाँ पे वर्टिकल हीटिंग इज ड्यू टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन ऑफ करंट क्यों आएगा? कन्वेक्शनल करंट ये एक जो आपने ये अच्छा बताया ना एयर कि करंट गुडरू। हाँ यस ठीक है। ठीक ठीक है। एक एमजे वो होता है कुछ, मेड इन जूलियन ऑसिलेशन, हाँ मेडी, तो वो भी तो उससे कारण भी हो सकता होगा ना, वो अलग जूलियन चीज है, ऑसिलेशन। वो अलग चीज है। अच्छा दैट इज ठीक, रिलेटेड टू मॉनसून। ठीक है नहीं आता। एनर्जी ट्रांजिशन इज कंसिडर्ड द बेस्ट मेजर टू अचीव द गोल ऑफ कार्बन न्यूट्रलिटी, ठीक है एक्सप्लेन करना, इसमें एक ही क्वेश्चन है, बोलो। एनर्जी ट्रांजिशन इसमें आएगा से, शिफ्ट फ्रॉम पीपल्स एनर्जी टू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फ्यूल, जिसके अंदर बायोमास आ गया और बेस्ट मेटल लिखा हुआ है, बेस्ट हाँ मेजर टू अचीव गोल ऑफ कार्बन एनर्जी न्यूट्रलिटी। ट्रांजिशन। कैसे बेस्ट मेजर, एक्सप्लेन करना इसको, वो तो पता है कि हाँ हो सकता है लेकिन बेस्ट मेजर है। बेस्ट मेजर में वी विल से कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है एंड द बाय प्रोडक्ट, वी कैन से कि देर इज
लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच आर रिलीज्ड. सो दैट इज वाई ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इज द बेस्ट मेजर. उसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए देर आर सम सही बात मेजर्स है। एंड फ्यूल सेल हाइड्रोजन. जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम है अगर हम कन्वेंशनल फ्यूल के हिसाब से देखो तो, इसलिए बेस्ट है। लोअर गैस ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, कोल टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आ गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कारण कैप्चर कारण आप यहाँ पर यूज करते हो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, ये हो गया बायोमास को फायरिंग, उसे एफिशिएंसी बढ़ जाता है कोल कोल का। एंड हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, फॉर एग्जाम्पल बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया या फिर स्मार्ट ग्रिड्स हो गया. हाँ ठीक है, बैटरी हो गया, उसमें लिथियम आयन, फिर NA हो गया, और भी बैटरीज होते हैं उसको यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए। तो बेस्ट इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि बेस्ट मेजर फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी कैसे हो सकता है जब आप कार्बन कैप्चर करते हो, या कार्बन नेट जीरो क्रेडिट्स, होना हम चाहिए है ना। कार्बन क्रेडिट्स भी बात कर सकते हैं, कार्बन मार्केट्स. ये कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो में डिफरेंस है. नेट जीरो मतलब है कि जितना आप छोड़ रहे हो कार्बन उतना कैप्चर करो, हो गया ना, नेट जीरो हो गया, और वही हुआ। एक ही हो सकती है कि हाँ बाय प्रोडक्ट में ही आपका वो नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस. तो दो तरीके से अचीव कर सकते हैं कि एब्सोल्युटली रिलीज ही नहीं हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड रिलीज हो रहा है तो वी आर कैप्चरिंग इट. हाँ ये ओके, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया आप एफिशिएंसी के लिए, ये हो गया एफिशिएंसी के लिए बायोमास को फायरिंग हो गया, कोल से रिन्यूएबल सोर्स, ये तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो गया, ऑल्टरनेटिव ये कैप्चर कर रहे हो, उसमें किस में कैप्चर कर रहे हो, ये ऑल्टरनेटिव, कोल से आप चेंज करके हाइड्रो विंड और सोलर, उससे ग्रीन हाउस गैस फॉर्म ही नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। तो तीन तरीके से प्रवेश तो बोलना, बस इम्पोर्टेंट इसमें इंस्टीट्यूशन, हर जगह आप इंस्टीट्यूशन पूछना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये आंसर में आना चाहिए। एक ये हो गया इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अरेना, इंडिया में एक एनर्जी एफिशिएंसी वाला है भी एक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हाँ ब्यूरो ऑफ एनर्जी, क्या उसका पूरा बीईई. एक और ही आएगा ना. और सोलर, सोलर के लिए इंडिया में सिंबल मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर के लिए सोलर अलायंस भी है इंटरनेशनल. ठीक है तो इसे कोट कर सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। और तो इंडिया में जो शेयर किए थे आज 48 जो गीगावाट है, उसके अराउंड सोलर एक जगह था ज़्यादा था, लेकिन इसमें जो मैंने शेयर किया PIB में उसमें कम है, तो 46 है हाइड्रो इसके अराउंड। एंड इसमें ग्रीन हाइड्रोजन भी था जो मिस कर दिया हमने. हाँ, मतलब बोल सकते हैं रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी के अंदर में आ जाएगा, कोल से आप चेंज कर दे तो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होगा एनर्जी के अंदर में, ग्रीन हाइड्रोजन डाल दो यहाँ पर कहीं पर भी।
रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आ जाएगा ये। और कुछ बोलना प्रवेश? आई थिंक कवर मानसी हो गया। नहीं, ठीक है। मुझे भी कुछ और तो ऐड नहीं करना है। इसके बाद विंड है, उसका भी कुछ परसेंटेज है, उसके बाद फिर बाकी सब आता है, तो मैं देख रहा था अभी। मेरा 35 किस परसेंट, कितना? 34 35 किस। ₹34 दिया वोट विंड है, ये देख लेना एक बार, एंड करते हैं। ओके थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस टुमारो ड्यू टू टू आंसर करी।